हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विदिशा सीनियर किचन में। आज हम बनाएंगे सूरन का चोखा, जिसे हम जहाँ रहते हैं ओल कहते हैं, इसलिए ओल का चोखा कर लीजिए, या जिमीकंद का भी इसे नाम है, इसका जिमीकंद भी बोला जाता है। तो हम इसका आज चोखा बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और चटकदार होती है। इसे आप रोटी चावल दाल के साथ सर्व कर सकती हैं और झटपट बन जाता है। तो एक बार ज़रूर बनाकर खाएं और हमें कमेंट में लिख कर बताएं जो कैसा लगा हमारी रेसिपी आपको। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज बनाते हैं हम जिमीकंद का चोखा। आज हम एक नई रेसिपी के साथ आप लोग के साथ शेयर करने आए हैं नई रेसिपी। तो हम आज बनाएंगे सूरन का भरता यानी चोखा, इसे ओल कहते हैं हम जहाँ हम लोग जहाँ रहते हैं। जिमीकंद भी कितने जगह पर इसे जिमीकंद और सूरन भी कहा जाता है। तो इसका आज हम चोखा बनाएंगे, बहुत ही झटपट और जल्दी बन जाती है। तो इसको हमने छील कर अच्छे से धोकर इसे उबाल लिया है बहुत अच्छे से। इसको अब हम मेस कर लेंगे और इसमें हम लहसुन का 10 से 12 कलियां लहसुन है, लहसुन थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, और 2 से 3 हरी मिर्च लेकर इसको पेस्ट बना लिया है। आप अगर चाहें तो बारीक काट कर और इसे हम फ्राई पैन में फ्राई करके उसके बाद इसमें डालेंगे। और स्वाद अनुसार नमक, सरसों का ऑयल लिए हैं और नींबू है आधा। तो इसे चलिए हम मेस कर लेते हैं। ये बहुत ही झटपट बनती है और बहुत चटकदार लगती है खाने में। इसे अच्छे से हम मेस कर लेंगे। हाथ से कर लीजिए या मेसर हो तो मेसर से कर लीजिए। एकदम अच्छे से बारीक मेस कर लेना है, ज़रा भी इसका मैंने मोटा दाना नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हम इसे मेस कर लेंगे अच्छे से। अभी देखिए हमारा चोखा अच्छे से मेस हो गया है। अब इस पर हम गैस को जलाएंगे और इस पर एक कलछुल इस टाइप का रख देते हैं गर्म होने के लिए। ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये सरसों के ऑयल में भी अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ नहीं, लहसुन तो ज़रूरी है डालना। आप अगर चाहें तो इसमें अचार का मसाला, पहले का अचार आम का हो गया या भरवा मिर्च का, उसका भी मसाला आप इसमें ऐड कर सकती हैं। लेकिन हाँ, आज नींबू डाल के बनाएंगे और वो भी किसी दिन हम आपको बना कर दिखाएँगे अचार वाला कैसे बनता है। तो इसे हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो कच्चे तेल का स्मेल आएगा, थोड़ा गर्म कर लेते हैं अच्छे से। देखिए गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं ये लहसुन और हरी मिर्च का, इसे हम चला लेंगे, बस ज़्यादा नहीं, इसको दो मिनट। अब इसमें हम डाल देते हैं, हो गया है फ्राई। एक बार जरूर बनाकर खाइएगा, इस तरह से बहुत ही टेस्टी लगता है, लाजवाब बनता है। ये आप चावल दाल के साथ आराम से या रोटी पराठे के साथ भी खा सकती हैं, ये बहुत अच्छा बनता है। ओल का चोखा, इसे भरता भी कहते हैं। अब ये आपका लहसुन अच्छे से मिल गया, इसमें मिक्स कर लीजिए। हमने हाथ को अच्छे से साफ कर लिया था, क्योंकि कोई भी खाना बनाने से पहले हाथ को अच्छे से धो साफ सुथरा कर लेना चाहिए। और इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे
और ये नींबू, आपको जितना खट्टा पसंद हो उतना आप डाल सकते हैं। हम इसमें आधा नींबू निचोड़ दिए हैं, ये बहुत झटपट बनने वाला है और खाने में बहुत ही लाजवाब चटकदार लगता है। एक बार चलो बना कर खाइएगा। हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ आप लोग के से, तब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें।